हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 10th की हिंदी की वर्कशीट नंबर 42A लेकर आई हूँ। और बच्चों, इसमें आपको एक काव्यांश दिया गया है जिसको पढ़ करके आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और ये आपका बुक की लेसन में से है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ठीक है बच्चों, तो पहला प्रश्न है इसका, परशुराम ने अपना स्वभाव कैसा बताया? तो बच्चों, इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से सही ऑप्शन है का वाला, अत्यंत क्रोधी। ठीक है, प्रश्न नंबर दो है, किसने कहा मैंने अपनी भुजाओं के बल पर ही पृथ्वी को राजाओं से विहीन कर दिया था? इसमें भी आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से आपका ऑप्शन नंबर घ जो है वो सही है, परशुराम। प्रश्न नंबर तीन है, कुल शब्द का अर्थ है, इसमें चार ऑप्शन दिए हैं बच्चों आपको, और कुल शब्द का अर्थ होता है परिवार, तो इसका ऑप्शन नंबर घ जो है वो सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर चार है, भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन चार दिए हैं बच्चों इसमें, और इसका ऑप्शन नंबर ख जो है वो सही आंसर है, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, प्रश्न नंबर पाँच है, परशुराम स्वयं को किस कुल के लिए दोषी, द्रोही या घातक बताते थे? तो आंसर है, परशुराम स्वयं को क्षत्रियों के लिए द्रोही या घातक बताते थे। बच्चों, आपको एक गतिविधि दी गई है यहाँ पर, प्रस्तुत काव्यांश में हमने देखा कि जड़, जिसका अर्थ मूर्ख से पर्याप्त पर्याय के लिए किया गया है, जबकि इसका अर्थ एक पेड़ पौधे की जड़ यानी रूट मूल भी होता है, ऐसे ही आम बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होने वाले 5-10 शब्दों की परिवार की सहायता से सूची बनाई है। तो इसका आंसर मैंने आपको लिख के दिया है बच्चों, आंसर है कुल परिवार तमाम, बाल का है बालक, केश सट का, दुष्ट संख्या, मोर का, नीलकंठ मयूर, घोर का, अधिक और भयानक। तो ये थी बच्चों आज की वर्कशीट। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ बच्चों मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।